आगरा में ताला चाबी बनाने के नाम पर व्यापारी की अलमारी में रखी 40 लाख की ज्वेलरी ले जाने वाले एक बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर 3 आरोपी और गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने बदमाशों के पास से ज्वेलरी भी बरामद की है। ACP मयंक तिवारी ने बताया कि रविवार सुबह पुलिस को पता चला कि पथौली शाहगंज में ताला चाबी गिरोह के सदस्य किसी घर में चोरी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। पुलिस ने उन्हें सरिता धाम तिराहे बिचपुरी पर घेर लिया। मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने मोटरसाइकिल नहीं रोकी, पुलिस पर हमला कर दिया। जवाबी फायरिंग में गिरोह के एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। उसकी पहचान नानक के नाम से हुई है। नानक के साथी की निशानदेही पर उसके 2 अन्य साथियों को पथौली चौराहे से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने नानक के अलावा धर्म सिंह, शेर सिंह और अकाल सिंह गिरफ्तार किया है। इनमें से 1 गुजरात और 3 मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये लोग मथुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश भी घटनाएं कर चुके हैं। इन चारों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस, 2 साइकिल, ज्वेलरी मिली है। देखिए, शाहगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरायखोजा चौकी है, वहाँ पे 10 अप्रैल को एक FIR पंजीकृत कराई जाती है कि एक व्यक्ति के यहाँ जो आभूषण हैं, कीमती आभूषण उनकी चोरी हो गई है। उस पर शाहगंज पुलिस तुरंत एक्टिव होती है, कैमरे देखने के तलाश की जाती है, मैनुअली भी तलाश की जाती है। तो कल रात जो है पुलिस को सूचना प्राप्त होती है कि जो चोर हैं उनमें से 2 गैंग के जो सदस्य हैं पथौली में चोरी करने जा रहे हैं। उस पर पुलिस जो है चेकिंग लगाती है और पथौली के पास उन अभियुक्तों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की जाती है, जिसमें जवाबी मुठभेड़ में एक व्यक्ति के पैर में गोली लग जाती है और दोनों अभियुक्त गिरफ्तार किए जाते हैं। उन्हीं अभियुक्तों की निशानदेही पर उनके जो 2 साथी थे जिन्होंने ये चोरी का कृत्य कारित किया गया था, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और सारे माल की रिकवरी की गई है। ये आरोपी कहाँ के रहने वाले थे? ये आरोपी कहाँ के रहने वाले थे और सर कहाँ कहाँ अब तक इतना चोरी किया, कितनी घटनाओं का यहाँ पर खुलासा किया जा रहा है? देखिए, ये जो गैंग के सदस्य हैं इनके नाम हैं नानक उर्फ नानू, धर्म सिंह पुत्र गोकुल सिंह, शेर सिंह पुत्र सुधांश सिंह, अकाल सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह। इसमें धर्म सिंह जो है वो गुजरात का रहने वाला है, बाकी अभियुक्त जो है मध्य प्रदेश के हैं। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ऐसा है कि ये सिंपल गरीब टाइप के लोग बन के जाते हैं। पुरानी साइकिलें जो कबाड़े वालों के पास होती हैं या जो स्टेशन पर साइकिल पड़ी होती हैं उनको ये ले लेते हैं और गली गली में घूमते हैं। पहले रैकी करते हैं, देखते हैं जहाँ पे महिलाएं खासकर हैं, बुजुर्ग हैं, वहाँ पर बोलते हैं कि हमसे चाबी बनवा लो, ताला आपका खराब है वो हम सही कर देंगे। तो आमतौर पर ऐसे देखा गया है कि बुजुर्ग दंपत्ति होते हैं या जो लेडीजें होती हैं वो ताले वाले की समस्या होती है, वो उनको बनवाने के लिए जब बुलाती हैं तो कुछ ना कुछ कभी पानी का बहाना करते हैं, कभी कुछ सामान को लाने का बहाना करते हैं और इतने एक्सपर्ट होते हैं कि तुरंत उनके अलमारी से और उनके बक्से से सारे सामान निकाल लेते हैं। ऐसे ही इन्होंने जो घटना अभी कारित की है, इन्होंने दो लेडीजों ने इनको बुलाया। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, उनसे एक बार रुई मंगवाई, दूसरी बार उन्होंने कुछ ढूंढने के लिए कहा और इतने में इन्होंने हाथ साफ कर दिया और लाखों के आभूषण चोरी कर लिया। इनसे बरामदी क्या क्या हुई? देखिए, इनसे जो उन्होंने FIR में अंकित कराया था उससे 100% बरामदगी हुई है, जिसमें पहले तो एक तमंचा, एक कारतूस, एक मोटरसाइकिल, 11 अंगूठी पीली धातु, 2 जोड़ी कड़े पीली धातु, 1 गले का हार पीली धातु, 1 मंगलसूत्र पीली धातु, 1 चेन पीली धातु, 1 पाजेब सफेद धातु और 2 जोड़ी टॉप पीली धातु के बरामद हुए। आगरा के अलावा और कहाँ कहाँ इन लोगों ने चोरी करते थे? देखिए, ये लोग अभी भी मैनुअल तरीके से प्रोसीड करते हैं, इनके पास अभी बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, बहुत ज्यादा फोन्स नहीं यूज करते हैं, यही बड़ा कारण है कि ये ज्यादातर पकड़े नहीं जाते हैं। इन्होंने जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, मेरठ, जयपुर और भी कई बड़ी बड़ी जगह इन्होंने घटनाएं कारित की हैं। जब हमने इनसे पूछा पकड़े क्यों नहीं गए तो उन्होंने बोला कि हम बिल्कुल सिंपल वस्त्रों में रहते हैं, एकदम सादी तरीके से जाते हैं और एक आम जो नागरिक होता है लेबर की भांति जाते हैं और जगह जगह पे ताला बनाने की एक्टिविटी करते हैं। तो लोगों पर इन पर शक भी नहीं होता है क्योंकि आमतौर पर देखा गया है जो गाँव में होते हैं ताले वाले होते हैं ये बहुत साधारण रहते हैं, अरे कोई बड़ा फोन का इस्तेमाल नहीं करते। यही मेन कारण है कि इनको पकड़ा नहीं जा सका कहीं पे। चोरी करने का तरीका बड़ा ट्रेडिशनल है, लोगों से क्या अपील करेंगे, कैसे सुरक्षित रहेंगे? देखिए, इन्होंने कई सारी घटनाएं कारित की हैं, शाहगंज में 2 घटनाएं कारित की हैं, 1 न्यू आगरा में कारित की है और भी कई सारी घटनाएं हैं जो आसपास के इन्होंने जिलों में और आसपास के राज्यों में कारित की हैं। तो मेरा लोगों से सबसे पहले यही अपील है कि कोई भी जो है लोग जो आए ताले चाबी वाले गैंग के आए
तो उनको सबसे पहले तो महिलाओं से खासकर अपील है, बुजुर्ग दाम्पतियों से अपील है कि उनको घर में एंट्री ना दें। जो भी सबसे पहले है, जो वेरीफाइड जो है लॉक मेकर्स हैं, उन्हीं के पास जाएं। किसी को भी ऐसे एंट्री देंगे तो एक बड़ी घटना कारित हो सकती है, इसमें जान माल दोनों के नुकसान होगा।